हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 17, जो है बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्स और हाइब्रिड बेसिस मेथड। लेक्चर नंबर 15 और 16 में हमने ऑलरेडी कैश बेसिस सिस्टम एंड अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम पढ़ लिया है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे जो लेक्चर नंबर 15 और 16 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो लेक्चर देख लीजिए, तब जाके आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। देयर आर मेनली थ्री बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमनली यूजेस, नेमली कैश बेसिस, अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मिक्स और हाइब्रिड बेसिस सिस्टम हमको करना कैसे है। तो इसमें जो रेवेन्यू का पार्ट है इज रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस सिस्टम, और जो एक्सपेंस का पार्ट है इज रिकॉर्डेड ऑन अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैश बेसिस सिस्टम और अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम। तो इनकम को हमें रिकॉर्ड करना है कैश बेसिस पे और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है अक्रूअल बेसिस पे। अब हम देख लेते हैं रिकॉग्निशन वाला पार्ट। रिकॉग्निशन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका है हमारा लेक्चर नंबर 15 और 16 में। रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है एलिजिबिलिटी, मीन्स व्हेन यू आर एलिजिबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। तो मिक्स और हाइब्रिड बेसिस में देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। जनरली अप्रूव, ये तो अल्टरनेटिव नेम्स है किसका, रिकॉग्निशन का, या फिर रिकॉग्निशन को और क्या बोल सकते हैं हम, एक्सेप्टेड। रिकॉग्निशन को और क्या बोल सकते हो आप, कंप्लीटेड, मींस यू आर एलिजिबल। अब मैं बात करता हूँ इनकम, मिक्स और हाइब्रिड बेसिस में इनकम कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, सेल ऑफ गुड्स, मींस दैट इज इनकम ऑन एक्चुअल रिसीव बेसिस। तो मिक्स और हाइब्रिड बेसिस में आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंस ऑन कैश बेसिस। परचेज ऑफ गुड्स, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है किसका, एक्सपेंस का। एक्सपेंस के लिए हमें कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। अब अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस के लिए चार कंडीशन थी, यहाँ पे मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन थी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, दूसरी कंट्रोल, दूसरा हमारा स्टेप है, कंडीशन है इफेक्टिव कंट्रोल, मीन्स जो आप गुड्स परचेस कर रहे हो या फिर जो भी आपका एक्सपेंस है उसके ऊपर आपका इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। देन सर्टेनिटी ऑफ प्राइस एंड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे केस नंबर वन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताने वाला हूँ। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर्स में हमने तीन एग्जांपल्स देखे थे, यहाँ पे भी मैं वही तीनों एग्जांपल कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो सेलर है और मिस्टर बी जो है वो बायर है। मिस्टर ए सेंड गुड्स एंड इनवाइस ऑफ ₹2000 टू मिस्टर बी ऑन 20th May 2021। मीन्स 20 तारीख को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया है, गुड्स को सेल किया है ऑफ ₹2000। मिस्टर बी मेड पेमेंट ऑफ ₹2000 टू मिस्टर ए ऑन 25th May 2021। 25 तारीख को मिस्टर बी ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मिक्स और हाइब्रिड बेसिस सिस्टम में हम कौन से बेसिस पे रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी रेवेन्यू का पार्ट है वो कौन से बेसिस पे जाएगा, कैश बेसिस पे, और जो भी एक्सपेंस का पार्ट है वो कौन से बेसिस पे, अक्रूअल बेसिस पे। मिस्टर ए जो है वो सेलर है और उसने गुड्स को सेल किया है तो उसके लिए क्या है, इनकम है, तो वो कौन सा बेसिस फॉलो करेगा, कैश बेसिस। मिस्टर ए विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू दैट इज सेल ऑफ ₹2000 ऑन 25th May, मीन्स जिस तारीख को उसको पैसा मिलेगा उस तारीख को रिकॉर्डिंग करेगा। मिस्टर बी रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस दैट इज परचेज ऑफ ₹2000 ऑफ ऑन 20th May 2021। अब मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी क्या करेगा, एक्सपेंस है उसके लिए बिकॉज ही इज़ अ बायर, वो गुड्स को परचेस कर रहा है, तो उसे कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, अक्रूअल और मर्केंटाइल। और अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करने के लिए उसको चार कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तब जाके वो क्या कर सकता है, अपने रिकॉर्डिंग कर सकता है। चार कंडीशन क्या थे हमारे, पहला था ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, इफेक्टिव कंट्रोल, सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट और सर्टेनिटी ऑफ कनेक्शन।
ये चारों कंडीशन कौन से तारीख को सेटिस्फाई हो गए थे? 20 तारीख को, ठीक है, क्योंकि मिस्टर बी को तो 20 तारीख को ही सब कुछ पता था कि मुझे गुड्स क्या करना है, सेल करना है, और गुड्स की प्राइस और सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, तो सब कुछ वहाँ पे उसको पता चल गया था। तो यहाँ पे हम क्या, और सर्टेनिटी, और यहाँ पे ये भी है इफेक्टिव कंट्रोल, बिकॉज गुड्स जो था उसके पास 20 तारीख को ही मिस्टर बी के पास आ गया था। तो मिस्टर बी कौन से तारीख को रिकॉर्डिंग करेगा? 20 तारीख को अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेगा। अब हम देख लेते हैं केस नंबर 2। मिस्टर ए इज अ सेलर, मिस्टर बी इज अ बायर। मिस्टर ए सेंड गुड्स एंड इनवाइस ऑफ रुपीज 2000 टू मिस्टर बी ऑन 20th May 2021। मिस्टर बी मेड पार्ट पेमेंट ऑफ रुपीज 500 टू मिस्टर ए ऑन 25th May 2021। मिस्टर ए रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू दैट इज सेल ऑफ रुपीज 500 ऑन 25th May। जिस दिन उसके पैसा मिलेगा मिस्टर ए को, उस दिन वो रिकॉर्डिंग कर लेगा। मिस्टर बी विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस ऑफ रुपीज 2000 ऑन 20th May 2021। क्योंकि मिस्टर बी का कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो जाएगा? 20 तारीख को ही, तो रिकॉर्डिंग कर लेगा एक्सपेंस का 20 तारीख को। सपोज मिस्टर ए ने बैलेंस पेमेंट मांगा, तो मिस्टर ए आस्क्ड द बैलेंस पेमेंट ऑफ रुपीज 1500 टू मिस्टर बी ऑन 27th May 2021। मिस्टर बी मेड द पेमेंट ऑफ रुपीज 1500 टू मिस्टर ए ऑन 30th May 2021। 30 तारीख को मिस्टर बी ने क्या कर दिया है? मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया है। इफ मिस्टर बी मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 1500 टू मिस्टर ए ऑन 30th May 2021, मिस्टर ए विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू दैट इज सेल ऑफ रुपीज 1500 ऑन 30th May 2021। बिकॉज मिस्टर ए को पेमेंट कब मिल रहा है? 30 तारीख को, तो 30 तारीख को रिकॉर्डिंग करेगा बिकॉज ही इज फॉलोइंग कैश सिस्टम। मिस्टर बी विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस परचेस। मिस्टर बी जो है विल नॉट रिकॉग्नाइज। बी क्यों, बी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करेगा? बिकॉज बी ने तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके रख लिया है 1500 टोटल एक्सपेंस ऑन 20th मे को, तो बी जो है दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं करेगा यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं केस नंबर 3। मिस्टर ए इज अ सेलर, मिस्टर बी इज अ बायर। मिस्टर ए सेंड गुड्स एंड इनवाइस ऑफ रुपीज 2000 टू मिस्टर बी ऑन 20th May 2021। मिस्टर बी मेड पार्ट पेमेंट ऑफ रुपीज 500 टू मिस्टर ए ऑन 25th May 2021। रिकॉग्निशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। मिस्टर ए विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू दैट इज सेल ऑफ रुपीज 500 ऑन 25th मे। जिस दिन मिस्टर ए को पैसा मिलेगा वो क्या कर लेगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। मिस्टर बी रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस ऑफ रुपीज, एक्सपेंस दैट इज परचेज ऑफ रुपीज 2000 ऑन 20th मे 2021। मिस्टर बी कब रिकॉर्डिंग करेगा? 20 तारीख को ही रिकॉर्ड कर लेगा, बिकॉज उसको तो कौन सा मेथड फॉलो करना है? अक्रूअल मेथड और मर्केंटाइल बेसिस मेथड उसे फॉलो करना है। मिस्टर ए आज द बैलेंस पेमेंट ऑफ रुपीज 1500 टू मिस्टर बी ऑन 27th मे 2021। अब जो बायर है वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया है। मिस्टर बी इन्फॉर्म दैट टू मिस्टर ए ऑन 30th मे 2021 दैट ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड ही कैन नॉट मेक बैलेंस पेमेंट ऑफ रुपीज 1500 टू मिस्टर ए। अब मिस्टर बी ने जो है वो हो गया इंसॉल्वेंट हो गया और उसने मिस्टर ए को इन्फॉर्म कर दिया, अब तो वो पैसे नहीं दे पाएगा। नोट, इफ मिस्टर बी नॉट मेक द बैलेंस पेमेंट ऑफ रुपीज 1500 टू मिस्टर ए एंड ही बिकम इंसॉल्वेंट ऑन 30th मे 2021, मिस्टर ए विल नॉट रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू सेल ऑफ रुपीज 1500 बिकॉज इट इज़ नॉट रिसीव्ड। मिस्टर ए कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है? कैश बेसिस सिस्टम। उसे पैसे ही नहीं मिले तो उसे कुछ रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर बी विल रिकॉर्ड इनकम ऑफ रुपीज 1500 ऑन 30th मे 2021 बिकॉज, और यहाँ पे उसका नेट एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 500। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बराबर है। अब उसने पहले इनकम की एक्सपेंस, सॉरी उसने पहले एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करके रख लिया था? 2000 का।
अब उसे पता चल गया कि जो 1,500 रुपये है 1,500 तो पे करना ही नहीं है, तो उसे उसे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो क्या बुक कर लेगा, इनकम एक्सपेंस 2,000 और इनकम कितना है उसका 1,500, तो नेट एक्सपेंस कितना बन जाएगा उसका 500 का। अब इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंडर मिक्स और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस सिस्टम, दैट इज ऑन अक्रूअल एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैश। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, दैट इज ऑन एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस, मीन्स यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअल कैश रिसिप्ट बेसिस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, दैट इज व्हेन इट हैज इनकर्ड एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज रिसीव, तो जब पैसे मिलेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन इट हैज इनकर्ड, मीन्स यहाँ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।